Hey guys, what's up? Good morning, sat shri akal, adab, vanakkam. कैसे आप सभी लोग? स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में. मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त. दोस्तों, टाइम हो चुका है इस वक्त यहाँ के टाइम से 3:03 और इंडियन टाइम पे हो रहा है 1:30 होगा दिन का. रात को हम लोग का जागरण था, बीच पे बैठना वगैरह सब कुछ, इधर उधर थोड़ा बहुत मैं घूमा भी. रात को 2:30 बजे खाना भी ना खाया. सब वो सब क्लिप आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक. एंड आज आपको हम लोग थाईलैंड के खूबसूरत शहर पटाया से रूबरू भी करवाएंगे. और वैसे तो देखो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये जगह उतनी अच्छी नहीं लगी. मतलब अब उसका एक अलग रीज़न है. चलो देखते हैं आज क्या होता है आज के अकॉर्डिंग. उसके बाद हम लोग यहाँ सब निकल जाएंगे. और जस्ट होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए. पहले ब्लॉग की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपना रूम का विंडो दिखाना चाहूँगा. देखो मेरे विंडो से क्या व्यू दिख रहा है. और यहाँ पर दूर आपको समुंदर दिख रहा होगा, और यहाँ पर प्रिंस अभी आराम कर रहा है. तो वही चीज़ है, प्रिंस रेस्ट कर रहा है, मैं अभी सो के उठ चुका हूँ. बस अब उठ चुका हूँ, मतलब नींद से उठ चुका हूँ. अब यहाँ से बेड से उठ के फिर बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा खाने पीने का सब कुछ दिखाएंगे. इससे पहले आप लोग कल वाला ब्लॉग देखो, मैंने कल वाला कुछ शूट किया है 1-2 मिनट, तो वो देखते हैं कि क्या पटाया में हुआ कल हमारे साथ. भाई साहब क्या बताऊँ मैं. चल देखो आप लोग देखो ये रूम से, हमारे रूम से कैसे बीच दिख रहा है. आपको दिख रहा है समुंदर, बोट्स भी दिख रहे होंगे यहाँ पे. रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं. मैं होटल गया, नहाया धोया, फिर मेरे को भूख लग गई. अब जब मेरे को भूख लग गई तो इधर से गेट बंद है. भूख लग गई तो मैं दोबारा यहाँ पे आया ताकि खाना ले जाऊँ. और मुझे यहाँ पे महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया. मैं इस गेट के अंदर कल जाऊँगा, कल आपको दिखाऊँगा कि यहाँ के क्या नज़ारा है. अभी तो आज ऐसे ही घूम रहा था, शाम हो गया था ना आते आते. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी तो, सोचो रात के 3 बजे ऐसा है. और ये सब टैक्सीज होती हैं, इसमें बैठ बैठ के लोग जाते हैं शेयरिंग करके. मेरे को अब मैं उठ रहा हूँ, अब थोड़ा सा ब्रश व्रश करके यहाँ से निकलते हैं. सोचो दोपहर के 3 बजे पूरा टाइम टेबल ही स्केड्यूल ही चेंज हो गया, उल्टा पुल्टा हो चुका है. यहाँ पे नाइट लाइफ है, डे लाइफ खत्म है. 3 बज चुके हैं, 12 बोलना है, बोल रहा है झूठ. इंडिया का 1:30 बज रहा है, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है. 1:30 बजे चलो एक बार बाहर भी चलते हैं बालकोनी में. अरे जितना तेजी में गया उसके डबल तेजी में अंदर भी आ गया. ओह तो बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट. लेकिन ठीक है, इतनी भी गर्मी नहीं है जितना हमारे वहाँ होती है. यहाँ का वेदर थोड़ा सा ना, मतलब 29-30 डिग्री के आसपास है. बाकी यहाँ से आप नज़ारा देखो मेरे होटल से क्या दिखता है. मस्त व्यू, कितना अल्टीमेट है ना, एंजॉय करो. तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं. ये देखो गाड़ियाँ यहाँ पे ना, किसी गाड़ी में मैंने सनरूफ नहीं देखा. एक बस मैंने देखा था, वो किया की कार्निवल जैसी दिख रही थी. अभी अच्छे से खुला नहीं है, कोरोना वो अब स्टार्ट हुआ सब. चलो गाइस तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा, और फुल चिल करेंगे आज, एंजॉय करेंगे. बीच पे जाते हैं, थोड़ा सा बीच का नज़ारा देखते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे खाना वाना. और बने रहो आप लोग. इनको देखिए, इनको कॉफ़ी बनाने का भूत चढ़ा हुआ है. कॉफ़ी का कौन नहीं आता है, कॉफ़ी बना रहे हैं. ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अरे पानी तुम वेस्ट कर रहा है पीने वाला. गाइस वही उतना ही पानी हम लोग को यहाँ पे 20 घाट का मिल रहा है, 45 रुपये का. उतना तुम पिएगा, पहले बना रहा है उतना हम नहीं पियेंगे एक बूंद भी. अजीब आदमी है. ठीक है तुम उतना बना लिया ना, उतना पी के दिखा देना. तुम यहाँ पे दूध का ही नहीं, तुम पियोगे कच्ची पानी से पियेंगे. ठीक है चलो गाइस इनको कॉफ़ी बनाने दिया जाए, और मैं यहाँ सब थोड़ा सा जा रहा हूँ, फ्रेश होकर निकलता हूँ. पहली बार प्रिंस ने कॉफ़ी बनाया अपनी ज़िंदगी में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने बनाया है. क्योंकि मैंने बनाया गाइस. आप लोग समझ सकते हो, इसको ये बनाने की कोशिश कर रहा था, इतना ख़राब बनाया. मैं दिखाता हूँ इसका वाला कॉफ़ी, फिर मिला ही रहा है अभी उसमें से हार्डनेस. इसका कॉफ़ी देखो, ये ऐसे बनाया था एकदम डार्क ब्लैक कॉफ़ी. मैंने बोला कि यार बहुत हार्ड हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा.
चलो यार अब निकलते हैं, लेट हो रहा है, कल का खाना यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं देसी तड़का में, यहाँ पे हम लोग खाएंगे थाली हमने ऑर्डर किया हुआ है 320 baht का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 600-800 रुपये का राउंड हो गया, 700-800 का। तो गाइज ये है हमारा लगभग खाना आज का, और चावल देखिए एहसान है हमारे पे, ये है टोटल, इसका भी वैसे ही है सेम, मेरा भी वैसे ही है। तो हम लोग का ये 160 baht का। दोस्तों निकल चुके हैं पटाया की सड़कों पे, और अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए सोच रहे हैं पेटोंग बीच, और पेटोंग बीच जाने के लिए हम लोग लेंगे कोई ये वाली गाड़ी शायद जाती है, हम लोग को पता नहीं है कहाँ से जाएगी कैसे जाएगी, तो बाइक ही ले लेते हैं, बाइक लेके निकलते हैं, चलते हैं गाइस। अब आप लोग बने रहो, ये देखो सड़कों पर हलचल कितनी ज़्यादा तेज़ है, वैसे तो अभी कम है, दिन में कम होता है, रात को ज़्यादा होता है, उल्टा ही सिस्टम है, खैर कोई बात नहीं है। होटल ना, हमारा जो होटल है ये बहुत अल्टीमेट होटल है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है सब कुछ। इस गूगल मैप पे सर्च किया पेटोंग बीच, तो फुकेट में है, हम लोग फुकेट जा ही नहीं रहे, 726 किलोमीटर, चलते यहीं वाले बीच पे, आप लोगों को सड़कों से ही रूबरू करवाते हैं, बस बने रहो एंजॉय करते रहो आप लोग। हाँ यहाँ की गाड़ियाँ भी भाई सब खतरनाक है, इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो बारिश होने वाला है, काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। पे पोर्शे कार, रिमैक्स, सब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, मस्त कलेक्शन है गाड़ियों का तो यहाँ पे, लेकिन सनरूफ बहुत कम गाड़ियों में दिखा मेरे को। गाइस लैम्बोर्गिनी की आप लाइन देख सकते हैं, पहले आगे एक, फिर इसके बाद एक, फिर ये, फिर वहाँ। भाई साहब ये लाल वाली कार खतरनाक लग रही है ना, नहीं लगी आपको खतरनाक, ये ऑरेंज वाली लगेगी, ये भी नहीं लगी, ये वाली ब्लैक वाली तो लगनी चाहिए, ये भी नहीं लगी, ये वाली तो ब्लैक वाली लगनी चाहिए, ये भी नहीं लगी तो उसके पीछे वाली तो पक्का लगनी चाहिए। भाई साहब लैम्बोर्गिनी फरारी, अंदर वाले बंदे ही नहीं दिख रहे, क्या खतरनाक गाड़ी है, ओ भाई ओ, अरे रे रे, जब लग रहा है सड़क तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी देख देख के फ्रेंड्स तो कह रहे बाप रे ये कौन सी गाड़ी है, परेशान हो गए। डुकाटी बाइक भी एकदम अल्टीमेट है, और मौसम बहुत मस्त हो चुका है फिलहाल, अभी घूमने में मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% उल्टा ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी शाम हो गया है मतलब, हाँ अभी 4:30 बज गया है, कितना बज गया, 5:20 हो गया, लगो पे अलग ही रौनक है, मज़ा आ रहा है वैसे। भाई भाई वो घूमते हुए देखकर आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और यहाँ पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऐसे लोग बैठे होते हैं अपना वो करने के लिए मसाज वगैरह, बाकी हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, चलते हैं हम लोग थोड़ा बीच पे, जॉन टेन बीच पे हम लोग सोचे कि जाएंगे, बट वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए, प्रिंस कैसे एकदम चल रहा है टुकुर टुकुर देख देख के, क्या कहना चाहते हो प्रिंस बताओ, कुछ कहना चाहते हो? ये लोग वाँक वाँक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं शायद मसाज के लिए, बाकी चलते हैं पहले। कल तो पता है कल प्रिंस का एक लड़की ने हाथ पकड़ लिया था, मेरे को भी ऐसे ऐसे कर रही थी, यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी वैसे लीनियंट हो जाते हो फिर तो गए भैया, चलिए अपना अपने हाथ में, मुझे नहीं पता था कि इतना ख़तरनाक होता होगा, खैर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अब, हम तो घूमने आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे मज़े करेंगे और क्या है ना, ये तो एकदम एक से काल खतरनाक मस्त है, ये गाड़ियाँ बहुत अल्टीमेट लगी मेरे को। बाकी अभी हम लोग चलते चलते पैदल बीच साइड आ चुके हैं, तो बीच का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बीच से, वैसे तो बहुत सारी शिप्स दिख रही हैं, और दिन भर हम लोग सो के ही निकाल दिए, अब देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर रूम पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है, खतरनाक, व्हाट अ मस्त बीच अल्टीमेट, क्या ख्याल है प्रिंस कैसा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, जहाज ही सब खेलते रहते हैं, हाँ यहाँ पे लहर बहुत कम है समंदर का, लहरों को अगर आप देखें तो आपको फील होगा। ये देखिए ये महाशय अपना व्लॉगिंग में लगे हुए हैं, मस्त, कैसा लग रहा है प्रिंस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, जोर से बोलो थोड़ा कैमरा तक आवाज है, मजा आ गया है, मजा आ रहा है प्रिंस को। गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटाया बीच पे, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत शांत फील हो रहा है, बहुत अल्टीमेट फील हो रहा है, मैं सच बताऊं रात से ज़्यादा मज़ा दिन में आ रहा है, रात को तो चलो ठीक है हवा चल रहा था अलग, लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी थी, चिपचिप था, लेकिन दिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मस्त है। पीछे का नज़ारा दिखाओ एक बार, कितने सुंदर सुंदर बोट्स हैं, कितने सुंदर सुंदर
शिप्स और समंदर किनारे, तो भाई साहब एक स्वाद ही अलग आ गया, स्वैग ही अलग है पानी की लहरों का। प्रिंस भी है यहाँ पे। गाइस करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहीं पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी को वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ अभी समंदर का नज़ारा उठाते हुए प्रिंस वहाँ गया हुआ है। ये रेड वाला लड़का जो है ये ठीक है, ये बच्चा जो है वो प्रिंस है। तो आराम से बीच के पास बैठते हैं फिर निकल पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड। बाय बाय, लव यू ऑल।